हाय फ्रेंड्स, लास्ट टाइम वी स्टडीड टेस्टिंग ऑफ H2। टुडे वी विल स्टडी टेस्टिंग ऑफ CO2। CO2 को बोलते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रीटेड बाय पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर। लाइम वाटर को हम लोग CA ब्रैकेट में OH होल ट्वाइस, इट इज कॉल्ड लाइम वाटर। When treated with CO2, it starts turning milky white. It is proved that in that CO2 is present. When excess CO2 is passed, CaCO3, which we got here, plus CO2 plus water, we get this colorless calcium bicarbonate. And test of CO2 is done in this manner. Next comes reaction of acids and bases with each other. अगर एक एसिड हो और दूसरा बेस, तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? Our answer is salt plus water. Example एसिड का, HCl is an acid because it contains H plus ion. Base NaOH, because it contains OH minus ion in it, and the product we get is NaCl. We got that is that because positive and negative charge, the formation is known as salt. Na के ऊपर positive charge है, Cl के ऊपर negative, और ये हम लोग ने बनाया salt. और water, यहाँ का एक H, ये एक H, और यहां से OH मिलके बनाता है H2O. सो यू हैव टू लर्न दैट एसिड्स प्लस बेस वी गेट सॉल्ट एंड वाटर. देन द टर्म कम्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म वाटर एंड सॉल्ट कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. दैट मीन्स दिस इज अवर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. क्योंकि एसिड एंड बेस ने रिएक्ट किया, क्या मिला हमें? सॉल्ट एंड वाटर. इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. दिस डेफिनेशन ऑल्सो यू हैव टू लर्न. इट इन्वॉल्व्स एच प्लस एंड ओ एच माइनस आयन्स टू जनरेट वाटर. यानी ये जो फॉर्मूला है H प्लस और OH माइनस जो जनरेट करता है यहां से H प्लस एंड OH माइनस, व्हाट इट फॉर्म्स? इट फॉर्म्स अ वाटर. इन दैट मैनर वी गेट अ वाटर दैट दे आर टेलिंग. नेक्स्ट टाइम वी विल सी रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड. टुडे यू हैव टू राइट दिस नोट्स इन योर नोटबुक एंड स्टार्ट लर्निंग यूनिट नंबर 1 एंड Unit 2 also. Thank you. Hi friends, today we will study chemical reactions. First, cleavage of CO bond in ether. This is ether. It is treated with HX. What it will form? ये partially positive negative है, ये partially positive, ये partially positive negative. This negative will attract the positive ion and it will form ROH. And this negative will attract positive ion and it will form RX. The same manner, R is partially positive, O is partially negative. From here the cleavage will be done. Then here H2O it will form and it will be removed. HRX it will be formed. Same manner, O is partially negative, positive, negative will always attract the positive and it will form OH phenol and RX. The same manner, in this C is partially positive, O is partially negative, C will attract partially negative, that is I. H is partially positive, तो ये क्या बनाएगा? H CH3OH बनाएगा ये वाला, और यहाँ पे I अटैच हो जाएगा positive के साथ, तो ये वाला structure बन जाएगा. ये reaction को हम लोग slow step और fast step reactions में देखते हैं. Involves two step में होता है ये दो reaction, slow step and fast step. First है carbocation और दूसरा है nucleophile के attack से. इसमें क्या हो रहा है स्लो स्टेप में? ये रिएक्शन इन दिस
CH3OH यहाँ से ब्रेक होगा स्लो स्टेप में और ये कार्बन के पास कार्बोकेटायन सेंटर फॉर्म हो जाएगा इन दिस वे। फास्ट प्रोसेस में क्या होगा कि आई विल बी अटैच टू दिस कार्बन एंड इट इन दिस स्ट्रक्चर नेगेटिव विल अट्रैक्ट टूवर्ड्स पॉजिटिव एंड दैट इज न्यूक्लियोफिलिक अटैक टू कार्बोकेटायन सेंटर। ये पॉजिटिवली इज कार्बोकेटायन सेंटर बाय SN1 मैकेनिज्म एंड गिव्स इट्स करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट एज दिस। एंड नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ एनी सॉर्ट इन दैट दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ एनी सॉल बेंजीन रिंग विद OCH3। इट क्रिएट्स इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन एट दैट स्ट्रक्चर ओनली ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन एज वी हैव स्टडीड अर्लियर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑलवेज टेक्स प्लेस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन दे आर मोर स्टेबल एट दैट। First in that is bromination. Any sol when treated with Br2 in ethanoic acid, ortho position Br will be attached and para position Br will be attached and para is major product. Nitration, here reagents are important. Nitration, concentrated HNO3, concentrated H2SO4, ortho and para position, NO2 will be attached. Federalcraft alkylation, acylation in that. This is anisole. This is the reaction of alkylation because here alkyl is attached. Alkyl group is attached. CH3Cl. Anhydrous AlCl3. OCH3 and here from here H and Cl will be removed and we will attach here CH3. Ortho position and para position pe CH3 again. This reaction is acylation. From here H and here Cl. COCH3 will be attached. Ortho and here also at para position COCH3 is attached. With this we complete our unit number 11. Next time we will start another lesson unit. Okay, thank you. Write this in your notebook.